हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक सुमन और आप हैं मेरे साथ एपीटी क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 नेशनल इनकम ऑफ रिलेटेड एग्रीगेट का पार्ट 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनल इनकम। देखिए, नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम इज दैट इनकम, देयर इज द सम टोटल, दिस इज नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स इन अ सिंगल अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी इनकम जनरेट होती है, यानी कि फैक्टर इनकम, कौन सी इनकम? फैक्टर इनकम किसके द्वारा? नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा, उसको क्या कहते हैं हम? दैट्स कॉल्ड द नेशनल इनकम। अब देखिए, यहाँ पर तीन चीजें समझने वाली है। फैक्टर इनकम यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है, फैक्टर इनकम क्या होता है, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है और अकाउंटिंग ईयर क्या होता है। देखिए, अकाउंटिंग ईयर सिंपल आपको पता ही होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो पीरियड होता है, दैट्स कॉल्ड द अकाउंटिंग ईयर। यानी कि अकाउंटिंग ईयर क्या होगा, जैसे आपका स्कूल का सेशन है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, तो दैट्स कॉल्ड द अकाउंटिंग ईयर। अब नाउ द फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या है? जो भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, जो भी फर्म्स हैं, जो वो पेमेंट करती हैं किसको? हाउस होल्ड्स को। किसके बदले में? जो उनकी सर्विसेज लेती हैं, उन सर्विसेज के बदले में जो उनको पेमेंट करती हैं, दैट्स कॉल्ड द फैक्टर इनकम। मीन्स फैक्टर इनकम क्या हुआ? पेमेंट्स मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट टू द हाउस होल्ड। हाउस होल्ड्स को जो पेमेंट्स किया जाता है प्रोड्यूसिंग यूनिट्स के द्वारा, यानी कि फर्म्स के द्वारा, दैट्स कॉल्ड द फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम कौन कौन सी होती है? कंपनसेशन। कंपनसेशन मींस जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले में जो आपको पैसा मिल रहा है, दैट्स कॉल्ड द कंपनसेशन। रेंट, मान लीजिए आपने कोई लैंड दे रखी है, उस पर जो आपको किराया उसका मिल रहा है, दैट्स कॉल्ड द रेंट। इंटरेस्ट क्या हुआ? जो भी आपकी, मान लीजिए कोई प्रोड्यूसिंग यूनिट है, आपकी कैपिटल यूज कर रही है, उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट्स कॉल्ड द इंटरेस्ट। एंड द प्रॉफिट, आपकी जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स है उसको वो जो प्रोड्यूसिंग यूनिट यूज कर रही है, दैट्स कॉल्ड द प्रॉफिट। तो फैक्टर इनकम क्या है? कौन कौन सा फैक्टर? कंपनसेशन, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। क्या हुआ फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम इज पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट टू द हाउस होल्ड। जो हाउस होल्ड को जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, यानी जो फर्म्स हैं, पेमेंट दे रही हैं, किसके बदले में दे रही हैं? उनकी सर्विसेज के बदले में, दैट्स कॉल्ड द फैक्टर इनकम। तो ये आपको समझ में आ गया फैक्टर इनकम। अब उसके बाद नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होते हैं? देखिए, नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो एक साल या उससे ज्यादा समय में किसी, उससे ज्यादा समय से किसी कंट्री में रह रहा हो, दैट्स कॉल्ड द नॉर्मल रेसिडेंट। मींस अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, एक साल या उससे ज्यादा समय से उस कंट्री में रह रहा हो। दूसरा, अ पर्सन हु हैव इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन अ कंट्री व्हेन ही कैरी आउट ऑल हिज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मींस क्या हुआ के उसका जो भी वो कंजम्पशन कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उससे वो जो भी उसकी जितनी साल था इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो भी प्रोडक्शन कर रहा है, दैट्स कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो क्या है? अ पर्सन हु हैव इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन अ कंट्री व्हेन ही कैरीड आउट ऑल हिज इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन दैट कंट्री, उस कंट्री में जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मीन समझे आप, क्या प्रोडक्शन कर रहा है, अगर प्रोडक्शन है उसका, इन्वेस्टमेंट है, कंजम्पशन है, दीज आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर वो उसी कंट्री में कर रहा है तो वो उसका क्या होगा? नॉर्मल रेसिडेंट होगा। देखिए, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स के कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। तो खैर, उससे पहले ये आपको चीज़ें समझ में आनी कि फैक्टर इनकम क्या होता है, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है। फैक्टर इनकम सिंपल, फिर से एक बार, कि प्रोड्यूसिंग यूनिट जो भी पेमेंट करती है हाउस होल्ड्स को, किसके बदले में? उनकी सर्विसेज के बदले में, दैट्स कॉल्ड द फैक्टर इनकम। क्या कौन कौन सी होती है? कंपनसेशन, जो आपको कंपनसेशन मिल रहा है इसके बदले में, जो भी आपने सर्विसेज दी। रेंट, कोई अगर लैंड दे रखी है उससे आपको जो पैसा वो दे रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द रेंट। इंटरेस्ट, अगर वो आपकी कोई कैपिटल यूज कर रहे हैं उसके ऊपर जो भी आपको पैसा मिल रहा है, दैट्स कॉल्ड द इंटरेस्ट। और प्रॉफिट, आपकी जो भी एंटरप्रेन्योर स्किल्स है उसको कोई प्रोड्यूसिंग यूनिट यूज कर रही है तो उसके बदले में जो पैसा मिल रहा है, दैट्स कॉल्ड द प्रॉफिट। तो ये हो गया फैक्टर इनकम। नॉर्मल रेसिडेंट आप समझ गए क्या? कोई व्यक्ति अगर एक साल या उससे ज्यादा समय से किसी कंट्री में रह रहा है तो वो उसका नॉर्मल रेसिडेंट होगा, या
तौर पे जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो उस कंट्री में कर रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप समझो का कंजम्पशन होगा, प्रोडक्शन है, इन्वेस्टमेंट है, वो सब उसी कंट्री में है, तब वो क्या कहा जाएगा, नॉर्मल रेसिडेंट। तो आप क्लियर हो गई डेफिनेशन नेशनल इनकम की, कि नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम, क्या सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। एक पूरे अकाउंटिंग ईयर में एक नॉर्मल रेसिडेंट ने जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न करी है उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। और अकाउंटिंग ईयर की आप समझ गए कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। देखिए फैक्टर इनकम के साथ साथ एक चीज और जुड़ी हुई होती है, दैट्स कॉल्ड द ट्रांसफर इनकम। देखिए ट्रांसफर इनकम किसे कहते हैं, ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो कि अर्न्ड नहीं करी जाती है, ठीक है, यानी कि अनअर्न्ड इनकम, दैट्स कॉल्ड द फैक्टर इनकम। अनअर्न्ड में जैसे कोई चैरिटी है, किसी ने डोनेशन दे दिया कि भाई 1 लाख रुपए का डोनेशन दे दो, दैट इज नॉट अर्न्ड, वो अर्न नहीं करी गई है, ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड द ट्रांसफर इनकम। और जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो ट्रांसफर इनकम को छोड़ देते हैं, यानी कि इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी स्कूल की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करा और उसमें आप मान लीजिए फर्स्ट आए, तो आपको अगर एक कैश प्राइज मिला मान लीजिए 2000 रुपीज़ या 5000 रुपीज़, व्हाटएवर अमाउंट, तो दैट इज़ नॉट योर फैक्टर इनकम, दैट इज़ योर ट्रांसफर इनकम। अब ये नहीं बोलिएगा कि भाई हमने तो उसमें पार्टिसिपेट किया था, मेहनत करी, उसके बदले में मिला, वो क्या कहलाएगी, ट्रांसफर इनकम कहलाएगी। तो इसको जो है नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं तब इसको ट्रांसफर इनकम को हम छोड़ देते हैं। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स के और नॉन रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन है और नॉन रेजिडेंट्स कौन है, देखिए क्या है। नंबर वन, इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, मीन्स जो हमारे फॉरेन की एम्बेसीज हैं, अमेरिका है, जापान है, कनाडा है, इनकी जो एम्बेसी इंडिया में है और वहाँ पर जो इंडियन काम कर रहे हैं उनको हम नॉर्मल रेसिडेंट बोल सकते हैं। नॉन रेसिडेंट क्या है, कि फॉरनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज इन कनाडा एंड जापान, मीन्स जो फॉरनर हैं जो काम कर रहे हैं कहाँ, इंडियन एम्बेसी में, जो इंडियन एम्बेसी है मीन्स भारत के बाहर जो है, जैसे मान लीजिए कनाडा और जापान में इंडियन एम्बेसी है और वहाँ पर जो फॉरनर काम कर रहे हैं, मतलब इंडियन नहीं, वहाँ पर जो फॉरनर काम कर रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उनको नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। सेकंड, इंडियन एम्प्लॉयड इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया, मीन्स जो हमारे भारत के एम्प्लॉय है किसमें काम कर रहे हैं, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं, जो कि इसका ऑफिस में कहाँ, इंडिया में, जो उसका ऑफिस जो है वो इंडिया में है, तो उनको हम नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे। और फॉरनर वर्किंग इन WHO मींस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया, मींस जो वही जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में है और वहां पर जो फॉरनर काम कर रहे हैं उनको हम कहेंगे नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। थर्ड, लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिसेस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन इंडिया, मींस जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इंटरनेशनल इसकी बात, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो कहाँ है, इंडिया में उसका ऑफिस है और वहाँ पर जो लोकल लोग जो पर्सन काम कर रहे हैं, जो लोकल पीपल काम कर रहे हैं उनको नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे। और द जर्मन वर्किंग एज ए डायरेक्टर, मान लीजिए सपोज एग्जाम्पल के अगर कोई जर्मन व्यक्ति है और वो डायरेक्टर भी है अगर IMF का, किसका, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, और कहाँ लोकेटेड इन इंडिया, वो इंडिया में है मगर उसको हम क्या कहेंगे, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया कहेंगे, मतलब उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट नहीं, उसको रेसिडेंट में कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो नॉन रेसिडेंट होगा। एम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स हमारे इंडिया के जो एम्बेसडर्स हैं और जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी एम्बेसीज हैं वहाँ पर हैं उनको क्या, उनको नॉर्मल रेसिडेंट ही बोलेंगे। इंडिया के लोग जो हैं, जो भी पूरे वर्ल्ड में जो एम्बेसीज हैं, एम्बेसडर का काम कर रहे हैं वो, उनको हम नॉर्मल रेसिडेंट बोलेंगे। नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बोलेंगे, एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स जो एम्बेसडर्स हैं कहाँ, भारत में,
बाकी और अलग अलग कंट्रीज से आए हुए हैं उनको क्या बोलेंगे, उनको नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलेंगे। द फॉरेन सिटीजन लिविंग इन इंडिया मोर देन वन ईयर मीन्स एक साल या उससे ज़्यादा समय से जो रह रहे हैं इंडिया में उनको नॉर्मल रेसिडेंट बोलेंगे, मतलब जो फॉरेन से आए हैं और एक साल या उससे ज़्यादा समय से रह रहे हैं उनको नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। मगर यहाँ पर ये समझने की चीज़ है, जैसे कुछ लोग जो है वो अपना इलाज कराने मान लीजिए आते हैं या अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो उनको हम नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट नहीं करते हैं, किसी जो जिनका पर्पस स्टडी है या आपका कुछ मेडिकल से रिलेटेड है तो दे विल नॉट बी काउंटेड इन द नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है, उनको नॉन रेसिडेंट ही बोलेंगे। मगर जो द फॉरेन सिटीजन लिविंग इन इंडिया मोर देन वन ईयर, ठीक है, एक साल या उससे ज़्यादा समय से रह रहे हैं तो उनको नॉर्मल रेसिडेंट बोलेंगे। और नॉन रेसिडेंट द फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट वर्किंग इन इंडिया फ्रॉम लेस देन वन ईयर, तो टेक्निकल एक्सपर्ट भी है अगर वो इंडिया में काम कर रहा है मगर उसको अभी एक साल से कम हुआ है तो वो एज ए नॉन रेसिडेंट ही होगा। तो दीज आर द सम सिंपल एग्जांपल्स ऑफ द नॉर्मल रेसिडेंट इन इंडिया एंड नॉन रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। तो हमारी आज की क्लास बस यही खत्म होती है, इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन हो क्वेरी हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस चैप्टर के आगे की चीज़ों को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, तो तब तक के लिए ओके, थैंक यू टाटा, बाय बाय।